हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स में क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। ये जो चैप्टर है इसमें तीन क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह के तरीके के दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd है, क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है ये कम होती है, दूसरी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन मुझे 4th में ये बोला गया है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म में होता है, या तो 3m फॉर्म में होता है या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में होता है। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 2nd है उसको समझना होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाला है, और बाय चांस अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमें ये बोला गया है कि आपको किसकी हेल्प लेनी है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा को रिप्रेजेंट या लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसको हम किस तरीके से लिखते थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड बी सम इंटीजर्स। अब जरा आप ध्यान देखेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो लिखने का तरीका है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ हमें जो आंसर लाना है, यानी कि या तो हमें आंसर लाना है 3m या मैं आंसर लाना होगा 3m प्लस 1। अगर मैं इसका इसके साथ कंपेयर करूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी, b इक्वल टू 3 होगा। तो जब b इक्वल टू 3 यानी कि हमारा जब डिवीज़र 3 होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। अब ये समझने के लिए कि इस रिमाइंडर आपका 0, 1, 2 ही क्यों आया है, 3 क्यों नहीं आया या 4 क्यों नहीं आया है, तो मैंने जो आपका क्वेश्चन नंबर 2nd है इसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया था कि जिस संख्या से हम डिवाइड देते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम रहता है। तो चलिए हमें ये जो इक्वेशन है इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब इसमें क्या करना होगा, इसी इक्वेशन में मुझे बी की वैल्यू और आर की वैल्यू एक एक करके रखनी होगी। चलिए देखते हैं, तो मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में बी और आर की वैल्यू रखूँगा तो ए इक्वल टू बी की जगह पे मैं 3 लिख रहा हूँ, क्यू आ जाएगा और प्लस आर, रिमाइंडर की जगह मैं कितना लिखूँगा, 0 लिखूँगा। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ बी इक्वल टू 3 एंड आर इक्वल टू 0। अब हमसे ये कहा गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। 3q प्लस 0 को हम 3q भी लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जो आंसर चाहिए वहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3m चाहिए या फिर 3m प्लस 1 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं फैक्टर के तरीके से लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दें किस तरीके से, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू इस 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 × 3q² क्योंकि लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 एंड क्यू स्क्वायर बिल्कुल सेम दोनों हैं। और अगले स्टेप में ए स्क्वायर इक्वल टू इस 3 को तो मैं 3 लिख रहा हूँ, लेकिन इस 3q² की जगह मैं m का यूज़ कर रहा हूँ, वेयर m इज एन इंटीजर। ये मैंने 3q² की जगह पे m इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें जो आंसर में चाहिए है जो इंटीजर, यानी कि यहाँ पे जो q है, ये q है, इसकी जगह पे हमें आंसर में इंटीजर क्या चाहिए, हमें m चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे q स्क्वायर की जगह या 3q² की जगह पे m का यूज़ कर लिया है। चलिए हम सेकेंड अगले स्टेप में जाएंगे, वहाँ पर मैं अब b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू एक बार 1 रखूँगा।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी इक्वल टू थ्री एंड आर इक्वल टू वन। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट किस तरीके से हो जाएगा, ए इक्वल टू बी की जगह पे मैं थ्री लिखूँगा तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा क्यू और प्लस वन। अब हमें दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये सारे के सारे हमें क्या पूछे गए, स्क्वायर पूछे गए कि आपको स्क्वायर करना है। तो मैं लिखूँगा बाई स्क्वायरिंग, तो ए का स्क्वायर करूँगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर होगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ये वाला स्टेप मैं पहले लिख लेता हूँ टू थ्री या सिक्स यानी कि सिक्स क्यू और प्लस ये वाला स्टेप यानी कि वन का स्क्वायर वन मैं आखिरी में लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें से थ्री कॉमन ले लेना है। थ्री ही कॉमन क्यों लेना है क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए यहाँ पे थ्री चाहिए। तो जैसे मैं थ्री यहाँ पर कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा थ्री थ्री या नाइन थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री टू या सिक्स टू क्यू और दिया जाएगा प्लस वन। और नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर बराबर थ्री की जगह मैं थ्री लिखूंगा इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा एम और प्लस वन की जगह पे प्लस वन आ जाएगा वेयर एम इज एन इंटीजर। तो दूसरा स्टेप यानी कि जब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर मुझे जीरो वन टू तीनों का यूज़ करना है जीरो लिख के दिखाया तो मैंने हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या जाता है थ्री एम आ जाता है। सेकंड जब मैंने रिमाइंडर वन रखा है यहाँ पे रिमाइंडर वन की जब वैल्यू रखी है आर की वैल्यू वन रखी है और मैंने संख्या का यानी पॉजिटिव इंटीजर का मैंने स्क्वायर किया है तब हमारे पास इंटीजर क्या है संख्या क्या आई है थ्री एम प्लस वन आई है। और नेक्स्ट स्टेप में यानी कि अब मैं आर की जगह पर टू रखूँगा तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए फिर मैं अगला स्टेप पूरा करता हूँ। तो चलिए हम थर्ड स्टेप यानी कि अब R की जगह पे मैंने अभी क्या रखा था जीरो रखा हुआ था और वन रखा हुआ था अब मैं R की जगह पे क्या पुट करूँगा टू पुट करूँगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे अगर आप b इक्वल टू थ्री एंड r इक्वल टू टू यानी कि r बराबर दो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा ज़रा ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को a इक्वल टू b तो b की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है थ्री लिखा हुआ है और q प्लस रिमाइंडर क्या लिख रहा हूँ मैं टू लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई स्क्वायरिंग तो ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर थ्री क्यू का स्क्वायर क्या रहेगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू थ्री या सिक्स सिक्स टू या ट्वेल्व तो ये हो जाएगा ट्वेल्व क्यू और प्लस बी स्क्वायर और दो का स्क्वायर क्या करेंगे हम चार। और इसको अगले स्टेप में मैं इस तरीके से लिखना चाहूँगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू और प्लस इस फोर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ थ्री प्लस वन में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर इक्वल टू इस इन तीन में से यानी कि इसमें से मैं थ्री कॉमन लूँगा और कॉमन मैं क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए होगा थ्री चाहिए था इस वजह से मैं इस स्टेप में तीन कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं जैसे ही थ्री कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व यानी कि फोर क्यू प्लस थ्री वन जा थ्री और ब्रैकेट क्लोज और प्लस वन लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेप में थ्री की जगह पे थ्री और इस सारे की जगह पे मैं लिख दूंगा एम और प्लस वन की जगह प्लस आप वन आ जाएगा वेयर एम इज एन इंटीजर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा है जब किसी यानी कि हमें प्रूव करना था कि आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्म में आएगा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। जब हमने r इक्वल टू जीरो रिमाइंडर जब जीरो रखा तो हमने हमारा आंसर क्या आया 3m आया है। जब हमने r इक्वल टू 1 रखा हुआ था तो हमारा आंसर किस तरीके का आया 3m प्लस 1 आया है और जब रिमाइंडर हमने 2 रखा है तब भी हमारा आंसर 3m प्लस 1 आया हुआ है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।